हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल राहुल इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं माइक्रोटेक के इन्वर्टर की है। दोस्तों इसमें फॉल्ट ये है कि जिस टाइम हम इसे बैक मोड पर कनेक्ट करते हैं या फिर हम इसे एसी मेन पर कनेक्ट करते हैं तो ये अच्छी तरह वर्किंग नहीं करता। सिर्फ यहाँ पर बैटरी लो का इंडिकेशन आता है यहाँ पर, ये देखिए जो हमारे यहाँ पर फॉल्ट का भी यहाँ पर लिखा हुआ है, यही जलता है इसमें इंडिकेटर। तो ये देखिए मैं आपको ये दोबारा ऑन करके दिखाता हूँ। एक बार लगाने पर ये ऑन होता है, अगर हम दोबारा इसे बैटरी से कनेक्ट करें तो ये कोई भी इंडिकेशन शो नहीं करता। देखिए मैंने पहली बार इसे बैटरी से कनेक्ट किया है तो ये यहाँ पर इंडिकेशन दिखा रहा है। अगर मैं इसे डिसकनेक्ट करके दोबारा लगाऊँगा तो ये इंडिकेशन कुछ भी शो नहीं करेगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं अपनी डी सी के एम सी भी डाउन कर दिया मैंने। ये देखिए अब यहाँ से हमारा इंडिकेशन बंद हो गया। मैं इसे उठाता हूँ, ये देखिए दोस्तों अब हमारे यहाँ पर कोई भी इंडिकेशन शो नहीं हुआ है। जैसा कि हम पहली बार अगर हमारा इन्वर्टर ओके होता है तो हम इंडिकेशन हमारे यहाँ पर सभी ऑन हो जाते हैं, जब बैटरी के हम एमसीबी या हम अपने बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। और दोस्तों इसमें ये देखिए मैं यहाँ पर इस किट को छेड़ूँगा, यहाँ से देखिए कोई भी है, देखिए तो ये हल्की हल्की बीप की आवाज़ करता है। ये देखिए और यहाँ पर यूपीएस और बैटरी लो या फॉल्ट का इंडिकेशन ग्लो करता है। ये देखिए ये दिक्कत है इसमें। ये फॉल्ट दोस्तों तब आता है जब हम बैटरी के ऊपर ही इन्वर्टर रख देते हैं, जैसे ईंटें वगैरह लगाकर आपने कई जगह देखा होगा, हम दो ईंटें लगाकर ही उसके ऊपर इन्वर्टर रख देते हैं और वो जो हमारा बैटरी पर हम पानी वगैरह डालते हैं वो वायर के ज़रिए हमारा किट पर आ जाता है। ये देखिए ये हमारे यहाँ पर एक तो जो इसके डीसी फ्यूज़ हैं वो जल चुके हैं, ये देखिए यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर ये देखिए सोरा भी आ चुका है इसके किट के अंदर। अब मैं ये किट इन्वर्टर से खोल लेता हूँ। ये देखिए इसके ऊपर काफ़ी सोरा आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर, देखिए जो हमारी ये लगी हुई है यहाँ पर एलुमिनियम की एक हीट सिंक, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सोरा है। और जो इसके यहाँ पर एक डायोड लगा होता है, ये देखिए ये वाला, इसके नीचे भी काफ़ी सोरा आया हुआ है। तो मैं दोस्तों इस किट को खोल लेता हूँ एक बारी, फिर देखते हैं कि इसमें कोई प्रिंट वगैरह तो नहीं जला जिसकी वजह से हमें दिक्कत आ रही है। तो मैं इसे खोल लेता हूँ। इस किट को बाहर निकालने के लिए हमें ये सभी जैक यहाँ से निकालने होंगे। ये देखिए इस तरह ये सभी जैक हम यहाँ से निकाल लेंगे और फिर ये हमारी किट बाहर निकल आएगी। तो चलिए दोस्तों मैं सभी जैक खोल कर ये निकाल लेता हूँ किट। मैंने इन्वर्टर से पीसी भी निकाल लिया है, देखिए। और जो यहाँ पर इसके ये देखिए ब्लैक ब्लैक हो चुका है यहाँ पर, जहाँ पर इसके डीसी फ्यूज लगते हैं 40 एम्पीयर के, ये देखिए। और जहाँ पर ये लगे हुए हैं इसके बैक में शोल्डर होता है इसको बेस को करा हुआ, ये देखिए यहाँ पर भी हमारा शोल्डर जल कर ख़त्म हो चुका है। ये देखिए हीट होने की वजह से पिघल गया है सारा। अब दोस्तों सबसे पहले हमें इसके सफाई के लिए जहाँ पर ये शोर आया हुआ है इस किट के यहाँ पर इस बेस को खोलना होगा, हमें इस हीट सिंक को देखना पड़ेगा ताकि हमारे यहाँ पर अंदर से इसके कोई प्रिंट शोल्डर जो होता है हमारे इस पिनों के साथ, इसके तीसरी पीछे वाली पिन के साथ, वहाँ से कोई प्रिंट तो नहीं उड़ गया है इसका, मतलब टूट ना गया हो, ब्रेक ना हो गया हो। तो मैं इसके यहाँ पे खोल लेता हूँ इसे। ये देखिए हमारा जो ये डीसी फ्यूज होता है इसमें भी सोरा आ गया है। ये देखिए अंदर तक सोरा हो गया, वाइट वाइट हो गया है और ये फूल गया है। और ये देखिए हमारा जो यहाँ पर डीसी फ्यूज है वो बिल्कुल ठीक है, अंदर तक की इसकी वायर जुड़ी हुई है। तो अब हम इसको यहाँ पर इसकी जो हीट सिंक है ये खोलने के लिए हमें सबसे पहले मोसफेट के ये नट खोलने पड़ेंगे। फिर दोस्तों हमें जो ये नट हैं इसके नीचे लगे होते हैं ये खोलने, और ये हमारी हीट सिंक है जो ये बाहर आ जाएगी। तो चलिए मैं इन सबको नटों को खोल देता हूँ और फिर ये हीट सिंक बाहर निकाल लेते हैं और फिर हम ऐसे पेट्रोल से अच्छी तरह वाश करेंगे जहाँ पर हमारे ये शोर आया हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा शोरे के कारण यहाँ पर ये मुझे लगता है डायोड का जो यहाँ पर प्रिंट है वो उड़ चुका है यहाँ से। तो चलिए दोस्तों मैं इसको खोल लेता हूँ यहाँ से, फिर इसे शोल्डर कर लेंगे जहाँ से हमारा ड्राई शोल्डिंग है या शोल्डर नहीं है। आपको ये सभी नट खोल लेने हैं और मोसफेट को ज़्यादा हिलाना नहीं है, नहीं तो ये टूट सकते हैं। और इस नट को आराम से खोल कर ये बाहर आ जाएगी। तो चलिए मैं दोस्तों इसे निकाल लेता हूँ। ये देखिए इस तरह आपने एक एक नट खोल लेना है। और इन मोसफेट को खोलने के बाद दोस्तों जब इसे टाइट करेंगे, इसे टाइट ही अच्छी तरह करना है आपने, लूज नहीं छोड़ना आपको, नहीं तो ये जो इसकी हीटिंग होती है मोसफेट की वो अच्छी तरह ये हीट सिंक सह नहीं सकती, फिर लूज ये होने के कारण ये मोसफेट फट जाएगा।
ये देखिए इस तरह आपको सभी नट खोल लेने हैं। ये देखिए मैंने ये नट खोल दिए हैं। अब सब नट खोलने के बाद हमें इसे नीचे यहाँ से खोलने हैं। ये दो नट भी हमने खोल लेने हैं। ये देखिए ये दोनों नट हमारे आसानी से खुल जाते हैं। सुकम वगैरह की पीसी वगैरह से नट सोल्डरिंग की होते हैं, पर इसमें लुमिनस में या फिर हमारे इन में नहीं होते। ये देखिए हमारी हीट सिंक बाहर आ चुकी है और हमारे मॉस्फेट वहीं के वहीं हैं। अब दोस्तों हम इसे आसानी से क्लीन कर सकते हैं। देखिए अब मैं इसे पेट्रोल से वॉश कर लेता हूं और ब्रश की सहायता से इसे साफ़ कर लूँगा। ये देखिए दोस्तों ये हमारे पास पेट्रोल है। तो दोस्तों आपको इसमें कोई भी मिट्टी का तेल या फिर हमारा मशीन का तेल कोई भी यूज़ नहीं कर। देखिए मैंने यहाँ से पीसीबी को क्लीन कर दिया है और देखिए जहाँ जहाँ हमारा शोरा आया हुआ था वहाँ पर देखिए आपको पता ही है बैटरी का जो शोरा वगैरह होता है वो बिल्कुल ही प्रिंट को या नट तक को ही ख़राब कर देता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। देखिए और मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी देखिए यहाँ से भी प्रिंट जल चुका है। यहाँ से इसकी जो नीचे से प्लेट है ये जल चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे यहाँ से भी शोल्डर वगैरह कर लेते हैं और इस बेस को भी साफ़ कर लेते हैं जहाँ पर हमारे डीसी फ्यूज लगेंगे, और शोल्डर कर लेता हूँ मैं इन डायडों को। ये देखिए हमारे यहाँ से भी पिंगल कर ख़त्म हो चुका है हमारे यहाँ से शोल्डर, तो मैं इसे भी अच्छी तरह साफ़ करके फिर अच्छी तरह शोल्डरिंग कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अच्छी तरह शोल्डरिंग कर दी है, ये देखिए डायड के ऊपर, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। और ये जितने भी पार्ट्स थे इसके नीचे लगे हुए मैंने इन पर सब पर सोल्डरिंग कर दिया है, ये देखिए, ताकि हमारा लूजिंग ना रहे। अब मैं इस पर हीट सिंक अपनी कस लेता हूँ। जैसे हमने खोली थी वैसे ही हमें हीट सिंक लगानी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नट लगाने होंगे ये वाले, फिर आप मॉस्फेट के नट लगाएँ, क्योंकि खोलने से पहले आपको मॉस्फेट के नट खोलने होते हैं फिर हीट सिंक के, और लगाते टाइम आपको इसके हीट सिंक के लगाने होते हैं फिर मॉस्फेट के, तो इस टाइम उल्टा करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों आपको, तो मैं अब इसे फिट कर लेता हूँ। ये देखिए पहले आप इसे ही टाइट करें तभी आप मॉस्फेट के नट लगाएं। तो आपके यहाँ पर देखिए ऐसे लगाओगे तो आपकी सेटिंग नहीं आएगी। ये देखिए जब आप इसे अच्छी तरह टाइट करोगे तभी आपकी यहाँ पर सेटिंग आएगी, ये देखिए, और ये हिलता रहेगा और इसमें मॉस्फेट टूटने का भी खतरा है। तो आप सबसे पहले इसे टाइट कर लें नीचे नट लगा कर। तो मैं लगा लेता हूँ। देखिए मैंने टाइट कर दी और हमारे जो इसके नट लगने के यहाँ पर सुराख हैं वो देखिए बिल्कुल सेंटर में आए हैं। अब दोस्तों मैं इसमें नट लगा लेता हूँ। ये देखिए अब हम सभी नट टाइट कर लेंगे। आपको ये नट इतने भी टाइट नहीं करने कि इसके अंदर की जो चूड़ी है वो फ्री हो जाए, और फिर हमें जुगाड़मेंट करके कुछ इनका काम चलाना पड़ेगा, इसलिए आप बिल्कुल ही अच्छी तरह इसे टाइट करें। अब दोस्तों अब हम यहाँ पर डीसी फ्यूज की तरफ आते हैं। तो ये देखिए हमारा जहाँ पर ये डीसी फ्यूज लगता है जो उसका यहाँ पर एक क्लिप है जिसके अंदर डीसी फ्यूज लगेगा वो जलने के कारण ख़राब हो चुका है। तो एक हमारी एक साइड ठीक है, तो इसमें एक हम फ्यूज लगा लेंगे, या तो आप इसमें दूसरे में फ्यूज लगाकर और एक पिन सोल्ड कर सकते हैं उसकी, नहीं तो आप यहाँ पर एक जम्पर वायर मार दें पतली सी जो 40 के आसपास एम्पीयर के आसपास हमारी लोड उठा सके। तो चलिए दोस्तों मैं इसका भी कनेक्शन कर लेता हूँ यहाँ पर, इसका भी एक जुगाड़मेंट कर देता हूँ। आपको दोस्तों जो वायर वगैरह आप लगाओगे वो इतनी मोटी नहीं रखनी है कि कई बार आपसे बैटरी की गलती से तार उल्टी भी लग जाए तो आपका ये जो जम्पर लगेगा वो उड़ जाए। तो चलिए दोस्तों मैं इसका जम्पर लगा लेता हूँ और इसमें एक डीसी फ्यूज लगा लेता हूँ, फिर इसे इन्वर्टर में फिट कर चेक करते हैं कि हमारी ये पीसीबी ओके हुई है या नहीं। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह क्लीन कर लिया है। मैंने ये देखिए इसका जम्पर लगाने के लिए 1 mm की वायर ले लिया है। आपको दोस्तों ये बिल्कुल ये सारी तारें मिलाकर नहीं लगाना है यहाँ पर जम्पर, तो आप इसमें 3-4 वायर ले लें, ये देखिए इतनी। अब मैं इसे यहाँ पर सोल्ड कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसका एक जम्पर लगा दिया यहाँ पर, ये देखिए ये मैंने बिल्कुल ब्रीक लगाया है क्योंकि हमारा एक यहाँ पर 40 एम्पीयर का डीसी फ्यूज लगेगा। ये देखिए ये मैं नया फ्यूज लगा रहा हूँ, ये देखिए।
और दोस्तों आप जब फ्यूज लगाएं तो ये जो इसके यहाँ पर क्लंप है इसे भी टाइट कर दें ताकि आपका फ्यूज टाइट जाना चाहिए। अगर ये लूज जाएगा तो भी ये पिघल जाएगा क्योंकि लोड इसी के ऊपर होता है सारा। तो चलिए दोस्तों मैं इस किट को इन्वर्टर में फिट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं कि हमारी ये किट रिपेयर हुई है या नहीं, नहीं तो फिर हम आगे का सर्किट देखेंगे इसका। देखिए दोस्तों जो मैंने यहाँ से वायर निकाली है मैं सबसे पहले इसे ही डालूंगा। और दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, आपके पास अगर इस टाइप की पीसीबी आती है तो सबसे पहले आपको इसकी ड्रेन की वायर है जो वही कसनी होगी। अगर आप इसे यहाँ पर सब जैक लगा कर फिर भी कसोगे तो ये अच्छी तरह नहीं कसेगी, तो सबसे पहले आपको इन्हीं को कस लेना है फिर इसको यहाँ पर जैक वगैरह लगाने हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसे फिट कर लेता हूँ। और दोस्तों जिस टाइम आप इन ड्रेन वायरों को टाइट करें तो ये भी देख लें ये लूज ना हो इस तरह घुमाकर। ये देखिए ये मेरा लूज है, तो मैं इसे निकाल कर और इसे यहाँ पर गोलाई में बनाकर फिर टाइट कर दूंगा। तो मैं इसे कर लेता हूँ, फिर इस किट को फिट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से इसे निकाल कर इसे गोल कर लिया है। अब मैं इस नट के अंदर यहाँ पर इसे लगा लूँगा। ये देखिए यहाँ पर लगा लूँगा। अब मैं दोस्तों इसे लगा लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने इसके दोनों हीट सिंक के ही नट कसे हैं, पहले मैंने कोई भी जैक नहीं लगाया। आप भी पहले इसी तरह इसे फिट कर लें। दोस्तों मैं आपको हर एक बात बताना चाहता हूँ कि ताकि आप मेरे चैनल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ फ़ायदा ना हुआ तो आपको वीडियो देखने का दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कुछ समझ आता है, नॉलेज आती है, मैं आपको ये चाहता हूँ कि हर एक छोटी छोटी चीज़ अगर जो मैं सीखा हुआ हूँ वो भी मैं आपको बताऊँ और आप उसी को सीख कर अच्छी तरह काम कर सकें। तो दोस्तों इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है ताकि मैं आपको हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ बता सकूं। तो अब दोस्तों हम इस किट के सभी जैक लगा लेंगे, फिर मैं इसे डीसी से कनेक्ट करके अपनी बैटरी से देखता हूं कि हमारा जो इन्वर्टर में फॉल्ट और बैटरी लो कंडीशन चलता था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों मैंने अभी इसको कम्प्लीटली फिट कर लिया है, सभी जैक वगैरह लगा लिए हैं। अब मैं इसे बैटरी से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने अभी इसे डीसी से कनेक्ट कर लिया है। मैं इसकी एमसीबी उठाता हूँ और देखिए दोस्तों अगर हमारा इन्वर्टर ठीक होगा तो एक बार बीप जरूर करेगा। ये देखिए और यहाँ पर इंडिकेशन आएंगे इसके। ये देखिए हमारे यहाँ पर इंडिकेशन आ चुका है यूपीएसओ का। तो दोस्तों अब मैं इसकी चार्जिंग वगैरह चेक करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं इसे सीरीज में लगाऊँगा ताकि कोई फॉल्ट होगा तो हमें पता लग जाएगा। ये देखिए दोस्तों मैं इसे सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारी यहाँ पर मेन और चार्जिंग आ चुकी है। ये देखिए हमारा सीरीज बल्ब ग्लो कर चुका है, तो इसका मतलब दोस्तों हमारी चार्जिंग भी ठीक है। तो मैं इसे अपने 220 में कनेक्ट करता हूँ, हमें यहाँ पर एम्पीयर मीटर में पता लगेगा कि हमारे कितनी चार्जिंग आ रही है। ये देखिए मैं इसका स्विच ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर मेन पर आ चुका है और ये देखिए और ये हमारे यहाँ पर 15 से 20 एम्पीयर के आसपास हमारी चार्जिंग आने लग जाएगी क्योंकि मेरी बैटरी इस टाइम थोड़ी फुल है तो इसलिए यहाँ पर कम एम्पेयर आ रहे हैं। जैसे आपकी बैटरी जितनी डिस्चार्ज होगी उसी हिसाब से एम्पेयर आते हैं। ये देखिए अब हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ओके है। देखिए आपको दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। जय हिंद जय भारत।